जब लो नहीं पाग ले लार उदय तब लो प्रमते फिरते बहुत आयो तत बेचार यह मछरा जगतारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना तन मन काट काट सब अर्पी तन मन काट काट सब अर्पी सब विच अग्नि हाँ विच अग्नि आप जलाई आप जला तन मन काट काट सब अर्पी सब अर्पी तन मन काट काट सब अर्पी सब अर्पी विच अग्नि हाँ विच अग्नि आप जलाई विच अग्नि हाँ विच अग्नि आप जलाई तन मन काट काट सब अर्पी सब अर्पी तन मन काट काट सब अर्पी सब अर्पी कोई अण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा कोई अण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो जिस मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो जिस पे आप विचारी तन मन काट काट सब अर्पी सब अर्पी विच अग्नि हाँ विच अग्नि आप जलाई आप जला तन मन काट काट सब अर्पी सब कोई अण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा कोई अण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो
किस पे आप विचारी, हो किस पे आप विचारी, तन मन काट काट सब अरबी, सब अरबी, तन मन काट काट सब अरबी, सब अरबी। दर्शन हर देखण कहताई, दर्शन हर देखण कहताई, हर देखण कहताई, हर देखण करे सतगुर में, कृपा करे सतगुर में, कृपा करे सतगुर में, सतगुर मेरे हर हर नाम दिहाई, काट सब अरबी, सब अरबी, तन मन काट काट सब अरबी, सब अरबी, विच अग्नि हाँ विच अग्नि आग जलाई, विच अग्नि हाँ विच अग्नि आग जलाई, तन मन काट काट सब अरबी, सब अरबी, तन मन काट काट सब अरबी, सब अरबी। जे सुख दे ता तुझे आदी, जे सुख दे ता तुझे आराधी, जे सुख दे ता तुझे आराधी, तुझे आराधी, सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई, जे सुख दे तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई, भुख दे तही राजा, भुख दे तही राजा, दुख विच सुख
ਘਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਸਭ ਅਰਪੀ ਤਨ ਮਨ ਘਾਟ ਘਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਸਭ ਅਰਪੀ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਸਭ ਅਰਪੀ ਬੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਠੋਵਾਂ ਬੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਠੋਵਾਂ ਜੋਤ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਠੋਵਾਂ ਜੋਤ ਸੁਖਾਈ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਦਇਆ ਦੁਆਰੇ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਦਇਆ ਦੁਆਰੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਤੈ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਤੈ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ ਹਰ ਮਿਲ ਲਿਓ ਵਡਿਆਈ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਸਭ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ ਆਪ ਜਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ ਆਪ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਸਭ ਅਰਪੀ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਸਭ ਅਰਪੀ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੇ ਤਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਆ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ
जे सुख जे तुझे आराधी दुख भी तुझे जया। जे सुख दे का तुझे आराधी दुख भी तुझे दिया। आज्ञा मैं भूख सोवी कर सुखा। आज्ञा मैं भूख सोई कर सुखा। सोग बरक नहीं जानियो जो जो हुक्म भयो साहिब का। सोमा से ले पाने हो जो जो हुक्म भयो साहिब का। सोमा से ले माने हो सोमा से ले माने हो। तन मन काट काट सब अरपी सब अरपी। तन मन काट काट सब अरपी सब अरपी। विच अग्नि हाँ विच अग्नि आप जलाए अग्नि हाँ विच अग्नि आप जलाई आप जलाई। तन मन काट काट सब अरपी सब अरपी। तन मन काट काट सब अरपी सब अरपी। तन मन काट काट सब अरपी। विच अग्नि आप जला। गगन दमामा बाजयो परयो निशाने घाव। गगन दमामा बाजयो परयो निशाने घाव। खेत जमांडे सूरमा अब जूझन को दाव। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। पुरजा पुरजा कठन मरे कबू न छाटे खेत। पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाटे खेत। कबू न छाटे खेत। तन मन काट काट सब अरपी कबू न छाटे खेत। कबू ना कबू न छाट खे। किसी को एक बिघे का खेत होवे ना भी विश्वे जगह सिर्फ किसी को होवे। उस बीहां बिस्वियां विचों किसी वेले कोई बंदा उसका केवल पांच सात फुट नहीं दो फुट जगह की किसी वेले उसकी मर लवे ना वो उसके वास्ते मरण मिटने लिए तैयार हो जाए। वो कहता भी इसने इधर मेरा सियार जिहड़ा सी इसने मेरी वट जिहड़ी सी अगे नाल इधर कर दी है। इस करके चार सियाड़ियां दो सियाड़ इसने मेरे लै ले ने। यह किस तरह हो सकता है। उसके पिछे
वो अपने जान की बाजी भी लाता है। इसे तरह के नाल संसार के अंदर अपने अपन खेतों की राखी हर कोई करता है। जिथे साढ़े संसारी लोगों के अपने अपने खेत ने, उसे धार्मिक लोगों का भी अपना एक खेत है, वह भी अपने खेत की राखी वास्ते उस तरह के नाल तत्पर रहते हैं। एक खेती बाबे नानक साहब जी ने, गुरु नानक साहब जी ने भी की। उस बीज नूं बाबा नानक ने सतगुर पातशाह महाराज जी ने बड़े बड़े दूर दराडे तक जाके बीजिया, जिसनों गरीब नवाज पातशाह जी ने बाणी अंदर आख्या, कहिंदे ने एक नाम भोगो भोगो। उस नाम नूं बीजण वास्ते सतगुर पातशाह महाराज जी ने पता नहीं कितना लंबा सफर किया, कितनिया मुश्किलां ते कितनिया मुसीबतां झलियां। जिस वक्त उस बीजे हुए नाम के उत्ते वो जिहड़ी खेती सी, वह जिस वक्त जवानी के उत्ते आई, तैयारी के उत्ते आई, तो उसको बूर पैना शुरू होया, तो लोगों भी प्रतीत हो गया भी आ खेती है। जितनी देर तक किसी को फल लगन वाला ना हो, उतनी देर तक कई बार जिस बारे कोई जानकारी नहीं, उसके बारे शादी भी की है, अभी पूछते फिरते हैं भी आ कद बूटा है। जिस वक्त लोगों को पता लग गया भी आ बूटा है, इतना कीमती बूटा है और इतने वधिया फल इसन लगन वाले ने और लग रहे हैं, उस वक्त दुनिया के लोगों को ऐसा प्रतीत होया भी आ बूटा तो जड़ों ही बढ़ देना चाहिए। इस बूटे नू, इस खेत नू उजाड़ देना चाहिए भी, ता कि ना ये खेत रवे, ना ये बूटा रवे, ना इसनू फुल लगन, ना इसनू फल लगन, हमेशा वास्ते खत्म कर दे। सतगुरु जी की पवित्र मुबारक बाणी का इस बूटे नू खराब करने वास्ते, इस बूटे नू छांगण वास्ते, इस बर्बाद करने वास्ते उस वक्त समय की हुकूमत ने और उस वक्त दे लोहा तान लाया। गुरु अर्जन साहब पातशाह, मैं 16 तरीक वाले दिन भी गुरु अर्जन साहब जी की शहीदी दिवस वाले दिन भी आप जी नाल बेनती कर रहा सां कि गुरु अर्जन साहब पातशाह जी नूं शहादत वास्ते जिथे होर बड़े कारण ने, उन्हां कारणों विचों एक कारण यह भी है भी सतगुरु गरीब नवाज पातशाह महाराज जी नूं ये गल आखी गई कि तुसी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के अंदर जिहड़ी असी कविता रची है यह भी विच शामिल करो, तुसी होर भगतां दी बाणी भी लिखी है विच, इन्ने भगतां दी बाणी तुसी लिखी है, छे गुरु साहिबान तो अलावा 24 होर ऐसे भगत ने जिन्हां नूं सिख भी असी आखदे हाँ, पट भी आखदे हाँ, भगत भी आखदे हाँ, उन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी अंकित है। तो उन्होंने मंग की इस गल की, जी उन्हां दी कीती जा सकती, साडी क्यों नहीं कीती जा सकती, पर सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी ने आख्या, कहन लगे ये सच की बाणी है, इस सच की बाणी के अंदर कोई झूठ का रला नहीं किया जा सकता। सच ते झूठ नूं मैं किस तरह रला दें आपस, सच ते झूठ नूं मैं किस तरह आपस मिक्स कर दें। गरीब नवाज पातशाह महाराज जी ने अपने इस खेत वास्ते भी ये खेत मेरा हरिया भरिया रवे, इस खेत च कोई गैर आदमी इसन उजाड़न वास्ते एवें आवे जी सदके आवे, चो वरना को उपदेश सांझा जो होया, दरवाजे भी खुले कर दते, सारे पासे रख दते भी कोई आवे, इधरों आवे, इधरों आवे, किसी पासों आवे, उत्तर वालों आवे, पूर्व वालों आवे, दक्षण वालों आवे, पछाण वालों आवे, जी सदके किसी वाले कोई दरवाजा बंद नहीं, पर कोई इसन उजाड़ना चाहे तो उस वक्त सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी ने धन गुरु अर्जन साहब पातशाह महाराज जी ने आख्या, कहन लगे बाबा कबीर जी का पवित्र बचन जो गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर अंकित है, आप जी ने बड़ी बारी पढ़िया सुनिया, असं भी पढ़ते सुनते आ रहे हैं, तुम भी सुनते आ रहे हो, कहने गगन तमामा बाजे हो पर निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सुरमा,
अब जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानी है जो लड़ै दीन के हेत, कदर पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़े खेत। वो सच दे इस तरह के नाल धार्मिक बंदियां दा भी एक अपना खेत है, जिस तरह साडा बाकी दुनियावी लोगों का खेत है, धार्मिक बंदियां दा अपना खेत होता है। उस धार्मिक खेत के अंदर वह अपनी ड्यूटी जानद हो, अपना फर्ज निभाद हो, अपने फर्ज को पहचानद हो कि मेरे धार्मिक खेत के अंदर मेरा की धर्म है तो मेरा की फर्ज है, उसनों पहचानद हो फिर जो धार्मिक जीवड़े ने उस खेत की राखी वास्ते उस तरह के नाल तत्पर हो जाते हैं। वो आखते हैं मेरी जान चली जाए तो जी सदकी चली जाए, पर मेरे खेत का उजाड़ा नहीं होना चाहिए, मेरे खेत को कोई किसी प्रकार कोई बर्बाद ना कर सके, किसी प्रकार की सतगुरु पातशाह गुरु अर्जन साहब पातशाह महाराज की शहीदी भी साढ़े वास्ते सुनेहा करी है, किसी प्रकार का कोई सुनेहा। उस तो बाद धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह महाराज जी ने भी आख्या, कहन लगे आओ जी तुसीं इस तरह तुहानूं समझ नहीं आउंदी, जे पिता जी की शहादत दे नाल तुहानूं समझ नहीं आई तो फिर समझाण दा दूसरा रस्ता भी है। फिर उस ढंग नाल समझाया गया, पिता गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी ने भी इसे तरह दे नाल उस खेत की राखी वास्ते अपना जीवन दान दिता। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने अपना सारा परिवार सरबंश इस तो इस खेत की राखी वास्ते उन्होंने निछावर कर दिता। इस चीज़ को जिन्हां जिन्हां गुरसिखां ने जाणिया तो जिन्हां जिन्हां ने समझिया और इस खेत की राखी वास्ते उन्होंने अपने जीवन के अंदर जिसे कितने वेखिया। असी ननकाणा साहब के शहीदों को क्यों याद करते हैं, असी पंजा साहब जी के शहीदों को क्यों याद करते हैं, श्री हरिमंदर साहब जी के शहीदों को क्यों याद करते हैं। चलो हिस्टरी जिहड़ी आ असी कह दिंदे आ जी किसी ने लिखी आ, साडियां अखां दे सामने नहीं होई बीती, जिहड़ी गल साडियां अखां दे सामने ना होई बीती होवे ते कई वारी उहदे उत्ते मनुख शक कर जांदा है, पता नहीं लिखण वाले ने की लिखिया किदां लिखिया, उहदा की मनशा सी, उहदे अपने दिल दिमाग की किस प्रकार की हालत सी, उह किहड़े पासे जुड़िया होया सी, क्योंकि अजकल लिखतां इस तरह दी मिलदियां ने जिहड़ियां मन विच इह भुलेखे पैदा करदियां ने भी किहड़ा बंदा किहदे नाल किस प्रकार नाल उहदे संबंध ने, ते उह उसे पासे दे उसे संबंधां दे मुताबिक सच्चाई नूं ना जाणदिआं होइआं ना समझदिआं होइआं उहनूं अखां तों ओहले करदिआं होइआं दुनिया लिख रही है। तुसीं अखबार वेखदे हो बड़ी वारी तुहाडे सामने आउंदे ने ते बंदे दे मन विच फिर कई वारी इस प्रकार नाल अखबार पढ़न नूं वी जी नहीं करदा, भी की पढ़ने ने अखबार, इहो कुछ कूड कसद नाल लिखणा है क्योंकि साडे सामने वरत रिहा ना। इहनां गल्लां नूं वेख के कई वारी बंदे दे मन च आउंदा भी पता नहीं उस उत्ते लिखण वाले ही हो सकदा कोई कोई रला कर दिता हो, ठीक ना लिखिया हो। जड़े बच्चे इस वक्त नौजवान उम्र के ने या मेरी उम्र तो वध दे सितर भी बैठे हो या मेरी उम्र के बैठे हो, जिन्हां दी भी इस वक्त 35 साल तो उम्र उपर की उम्र है, मैं उन्हां दी गल करन लगा तुहाडे नाल। 30 तो 35 साल तो उपर वाले जड़े ने उन्होंने एक साका अपनी अखां दे सामने वेखे है और समर्थक वेखे है, उदे अंदर किसे मनुख नूं कोई शक शुभा नहीं, उदे अंदर असीं ये नहीं आख सकते भी आह इतिहास बुलाने ने लिख दिता है, ये साढ़े सामने का इतिहास है। श्री हरिमंदर साहिब जी, श्री अकाल तख्त साहिब जी और होर गुरद्वारा साहिबान के उपर जिहड़ा 1984 दे विच हमला होया वह तां सारे वेखे, तुसीं सब ने वेखे। खेत की राखी करने वाले रोजाना श्री दरबार साहब हरिमंदर साहब तो जकारे छड़न वाले बड़े लोग सन उस वक्त, पर राखी करने वालों में कुछ चंद को ऐसे निकले जिन्होंने आख्या असी इस खेत की राखी लिए अपनी जान तो दे देंगे पर असी इस खेत को छड़ के बाहर नहीं जावांगे। तुहाडे सामने ने ऐसे लोग जिहड़े राखे बनना चाहते सन उस वक्त, वह तुहाडे सामने अपनियां बाहां उच्चियां करके निकल गए, महीने पता भी ना लग्या भी वह कित्थे ने, है भी नहीं कि नहीं ने, फिर जिस तों देखिया भी सारे पासे ठंड मठ हो गई है तो फिर मुड़वा के बाहर निकल आए, तो मुड़ के फिर काबज हो गए।
सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी का पवित्र बचन इस तरह के नाल मैं संखेप रूप आप जी नाल बचन साझे करता हुआ संकोचता हाँ। अपने इस कीर्तन की समाप्ति करता हाँ। साढ़े विचार अज फिर साढ़े इस खेत को बड़िया पासियों तो जिस तरह के नाल अगे उजाड़न का काम होता रहा अज भी उस तरह के नाल उजाड़ा अज भी हो रहा है। अज साढ़े विच ओह एक सुरमा बैठा हुआ है जिसने उस खेत की राखी वास्ते अपने जीवन नू बिल्कुल सामने लिया के खड़ा कर दिता। सानू इस गल का माण है और इस माण के नाल असी अपने आप च माण महसूस करते हैं सारे बैठे हुए भी अज असी इस गल का यह सानू भी इस गल का माण प्राप्त हो गया भी असी उन्हां कोलों कीर्तन सुनन दा यह समा प्राप्त कर सके हाँ। सो आओ सारे मिलकर एक बारी कीर्तन दियां इन्हां पंक्तियां नूं मैं गायन कर लवां उपरंत आप जी नूं सिंह साहिब प्रोफेसर दर्शन सिंह जी खालसा जिन्हां ने किसी गल की बिल्कुल परवाह ना करदे ये नहीं भी उन्होंने किसी गल की परवाह नहीं उन्होंने सब तरह की परवाह है पर एक गल की परवाह है कि बेरा श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज का मान सम्मान जिहड़ा है वह बरकरार रहना चाहिए। जे मेरा जीवन मेरे वास्ते कुछ किसी प्रकार के नाल औकड़ा भी आदियां ने मुश्किल भी आ रही ने मेरे लिए खतरे भी बन रहे हैं तो वह खतरे आखिर सारी दुनिया के सिखां दे उत्ते बड़े रहे ने पहला भी वह कहते हैं कि मैं कोई नवेकला थोड़ा मैं भी उन्हां सिखां वर्गा हाँ। सो इस करके आओ सारे मिलकर ये पंक्तियां सारे एक बारी गायन कर लईए अते उस तो बाद आप जी सिंह साहब जी शब्द कीर्तन सुनाउण की कृपालता करनगे। कोई रसना खाली ना बजे जी। तन मन काट काट सब अरपी सब अरपी विच अग्नि हाँ विच अग्नि आप जलाई आप जलाई। तन मन काट काट सब अरपी सब अरपी विच अग्नि हाँ विच अग्नि आप जलाई तन मन काट काट सब अरपी सब अरपी तन मन काट काट सब अरपी सब अरपी। आप जी ने जीव आया आखना गुरमत अनुसार जीव आया आखण का किसी नूं किस प्रकार का रीत ते रिवाज है किस प्रकार की साड़ी सिद्धांतक जिहड़ी सेध है उसनूं असी अपने नाल रखिए। आप सरबत माई भाई गुरु साहब जी की हजूरी अंदर पंज जकारे छड के उन्हां नूं माण सन्मान देंदे हुए जीव आया आखण की कृपालता करना। बोले सोनिया खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सिंह साहब जी को बेनती करांगा उन्हां नाल गुरु सवारे पाज साहब भाई रजीव पाल सिंह जी भी कनेडा तो नाल निवास जो निवास रखते हैं वह भी नाल तशरीफ लियाए ने। मैं इन्हों भी सारिया संगतों वालों इन्हों जकारिया दे विच ही सम्मिलित करके जीव आया आखदा हाँ कि गुरु कृपालता करे रहमत मेहर बख्शिश करे। ये भी इन्हों नाल बड़े